तो देखो, इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। इसमें हम क्या देखेंगे, दो कंट्रोलर्स के कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे कि दो कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, राइट। एज अ नेम सजेस्ट, आपका क्या होगा, इसमें आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी होगा और आपका इंटीग्रल कंट्रोलर भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, एक्चुएटिंग सिग्नल इज प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल प्लस इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल, राइट। ये क्या होता है, इसमें आपका जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल हो जाएगा, राइट। प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल क्या था, केपी इंटू ईटी, राइट। और क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल क्या होगा, के आई इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी। अब इसका क्या करोगे आप, लाप्लास ले लोगे, क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल्स टू के पी ई एस प्लस के आई अपॉन एस ई एस, राइट। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे मान लो कि केपी, इफ योर केपी इज वन, इन दैट केस हम क्या करेंगे, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, ई ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टी प्लस के आई इंटीग्रल ऑफ ई टी इंटू के ई टी इंटू डी टी, राइट। अब देखो, अब बेसिकली क्या आता है, इसका डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखो मेरा, हम लोग का इसमें मेन टारगेट क्या होगा, डिजाइनिंग होगा बेसिकली, ये कंट्रोलर्स को हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हम देते आ रहे हैं, यहां पे क्या दे देंगे, इनपुट दे देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे, मैंने बोला था, इसमें जो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, इट इज द सम ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिग्नल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर सिग्नल, राइट। तो देखो हमने क्या इक्वेशन क्या निकाली थी, ई एस क्या होता है हमारा, दैट इज केपी ई एस प्लस के आई अपॉन एस इंटू ई एस। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ई आप कॉमन ले लो, ई एस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, केपी सॉरी इंटू केपी प्लस के आई पी के आई अपॉन एस, राइट। ये हमें मिल गया। तो बेसिकली हमें ये कंट्रोलर डिजाइन करना है। तो ये कंट्रोलर आप कैसे डिजाइन करोगे, देखो यहां पे क्या है आपका, केपी और केपी प्लस के आई अपॉन एस, ये दोनों क्या है, दोनों का समेशन हो रहा है। समेशन के लिए क्या करोगे, एक समर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, केपी प्लस के आई अपॉन एस को यहां पे क्या कर रहे हैं, एक समर के थ्रू दे रहे हैं। तो ये समर आपका बेसिकली क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल को ऐड कर देगा, राइट। ऐड करके उसके बाद जो आपका एरर सिग्नल है उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आपको मिल जाएगा, ई ए एस मिल जाएगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेगा, जो भी आपका कंट्रोल इनपुट मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, वो क्या दे देगा, प्लांट को दे देगा, और प्लांट क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा, ठीक है। तो देखो यहां पे बेसिकली जो क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है ना हमारा, दिस इज कॉल्ड पीआई कंट्रोलर, राइट। क्योंकि इसमें हम प्रोपोर्शनल प्लस आपका क्या यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखोगे आप, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो क्या हो जाएगा, केपी प्लस के आई अपॉन एस, राइट, इनटू जीएस अपॉन वन प्लस केपी प्लस के आई अपॉन एस इनटू जीएस इनटू एचएस। तो ये क्या आ गया आपका, ट्रांसफर फंक्शन आ गया इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीआई कंट्रोलर, ओके।